एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं रोब्लॉक्स। गाइस आज हम लोग रोब्लॉक्स में खेल रहे हैं डेजर्ट आइलैंड सर्वाइवल। और गाइस आज हम लोग को एक आइलैंड दिया गया है और इसके राउंड जितना भी है पूरा ओशन है। तो गाइस आज हम लोग को इसी आइलैंड में सर्वाइव करना है और देखते हम लोग इसमें कितने दिन सर्वाइव कर पाते हैं। क्या गाइस हम लोग सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं? ओए मुन्ना बिल्कुल करेंगे। ओए मैं तो चला मुन्ना। अरे कहाँ जा रहा भैया? मैं अपने आइलैंड पे जा रहा हूँ। और तो भैया आपका दूसरा आइलैंड है क्या? ओए हाँ पास ही में है मुन्ना। ओ तो ठीक है भैया, आप वही जा रहे हो क्या? ओए नहीं नहीं एक शार्क दिखे थे, मजे लेने जा रहा हूँ। ए भैया शार्क से मजे मत लो, नहीं तो भैया अगर उसने मजे ले लिया ना तो भैया आपका बुरा हाल हो जाएगा। ओए मेरा कौन बुरा हाल करेगा? ए भैया शांत रहो यार, कोई मुसीबत पे है। गाइस इस शख्स को हम लोग को जल्दी से बचाना पड़ेगा। क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओए मैं बचाऊँ क्या? अरे यार भैया आप तो साग से खेल रहे हो ना, मुझे ही बचाना पड़ेगा। चलो गाइस सबसे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे और उसके बाद हम लोग को एक बोट की जरूरत है। बोट कहाँ मिलेगी? चलो बिल्ड ही कर लेते हैं, हमारे पास लकड़ियाँ तो है। चलो बोट मिल गई। दोस्त मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रहना। ए भैया आप वहाँ क्यों कर रहे हो? ये शार्क कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, कैसी शार्क है? अरे भैया यार आप यहाँ पे आओ जल्दी से, इसको बचाना है। अरे बाप रे भैया ये शार्क मुझे यहाँ की नहीं बढ़ने दे रही। ओए क्या बात कर रहा है, रुक जब यार हम उन्हें इसको पॉट डालूंगा। अरे नहीं भैया बहुत ही खतरनाक है, कहीं भैया हम लोगों को ने पॉट डाले। ओए तुझे कैसे पड़ेगी मुन्ना, तुझे कोई हाथ भी लगा सके ऐसा हो नहीं सकता। ओए ए भैया मैं तो चला। ओए कहाँ भाग रहा है भैया, को लेकर जा। हाँ तो भैया जल्दी बैठो ना यार, नहीं तो सार खा जाएगी। ओए रुक जा, इसको मैं बताता हूँ। ओए सार की कहाँ जा रही है, रुक जा मेरे भाई के पास मत जा। ओए अरे क्या बात है भैया, आप तो कुछ ज्यादा ही डेरिंग निकले। ओए मुन्ना बहुत ही डेरिंग। ओए ए भैया उधर से उतारा हो नहीं तो फोट डालेगी वो। ओए ऐसे कैसे फोट डालेगी, मुन्ने मुझे कुछ नहीं कर रही। ओए ए यार भैया आप अपने आइलैंड पे क्यों नहीं जाते यार? ओए बस मुन्ना ऐसे मन नहीं कर रहा हूँ। ओए अरे तो भैया यहाँ पे साग से ही मजे लेते रह जाएंगे क्या? चलो भैया मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और कहाँ छोड़ के आएगा? ए भैया आइलैंड पे और कहाँ पे? रुको भैया थोड़ा सा यहाँ पे बिल्ड अप कर लेता हूँ और इधर का हो गया गाइस और थोड़ा सा आगे का भी बिल्ड कर लेते हैं, नहीं तो भैया के चक्कर में रहेंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और मेरे चक्कर में क्या, मैंने क्या किया, मैं तो यहीं पे घूम रहा हूँ। ए तो भैया फिर कुछ काम ही करा लो। ओए मैं तेरे आइलैंड में क्यों काम कर रहा हूँ, मैं अपने आइलैंड पे काम करूंगा। हाँ तो ठीक है भैया फिर जाओ, डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब क्या, सर्वाइव तुझे करना है, मुझे थोड़ी हो। ए भैया आप भी करना है क्योंकि भैया आप भी तो आइलैंड में रह रहे ना। ए कोई मुसीबत में लगता है, जल्दी जाना पड़ेगा। ओए रुक जा मैं भी चलूँ क्या? ए भैया आप मत जाओ यार, आप उस सार को गुस्सा दिला देते हो। ओए रुक जा सार्क को मुन्ना, मैं उलझाए रखता हूँ, तू उसको बचा ले। ए भैया आपको खतरा है, आप उधर से उतर आओ। ओए तू से बचा, बकवास मत करो। ओए हाँ भैया बचा रहा हूँ। ए जल्दी से बैठ जाओ यार, बैठा लिया भैया। ओए चला मुझे लगे हाथ, मुझे भी छोड़ा। ओए अरे यार भैया आप इतना खतरों खिलाड़ी क्यों बनते हो? ओए मुन्ना मैं हूँ इसलिए बनता हूँ। ओए वैसे भी सार्क मेरा कुछ नहीं कर रही। ओए ए भैया क्योंकि मेरे पीछे पड़ी हुई है ना। ओए मुन्ना मैं उसके सर में चढ़ के वहां पे मुन्ना डांस वांस करके आ गया और पीछे लगी हुई है। रुक जा फिर मुन्ना मैं इसकी सवारी करके आता हूँ। ओए अरे यार भैया फिर तो चले गए भैया, यार मैं आपको छोड़ने जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा भैया। ओए ठीक है मुन्ना तू तो नाराज हो जाता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओए हाँ जाओ भैया, वैसे भी मुझे देर हो रही है, मुझे भी भैया आइलैंड पे रात होने से पहले भैया बेस वोस बनाना पड़ेगा, नहीं तो भैया मेरा खुद का बेस नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगी। कहाँ चले गए भैया वहाँ पे शिप की ओर? ओए ऐसे मुन्ना देख रहा था कुछ खजाना वजाना मिल जाए। ओए अरे भैया उधर कहाँ खजाना मिलेगा? ओए चल ठीक है तू जा, मैं जा रहा हूँ अपने आइलैंड पे। ओए हाँ ठीक है भैया जाओ। और भैया अपना बेस वोस बिल्ड करो रात होने से पहले, नहीं तो भैया दिक्कत आप ही को होगी। ओए हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ, बाय मुन्ना। बाय बाय भैया, बाद में मिलेंगे। ओए हाँ ठीक है, चलो गाइस अब जल्दी से अपने आइलैंड पे चलते हैं और अपना थोड़ा सा बेस को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि गाइस हम लोग को बेस को अपना एक्सपेंड करना है, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ लोग हैं जो कि हमारी मदद भी कर सकते हैं। जैसे कि गाइस बेस तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, ट्री काटने का काम एक बंदा ऑलरेडी कर रहा है और भी हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं जिसमें हम लोग यही बंदे लगा सकते हैं जिनको हम लोग बचा सकते हैं। ओए मुन्ना ये बताइए आइलैंड पे करना क्या है? अरे भैया यार आपको डर नहीं लग रहा क्या? ओए डर किस बात का डर है? अरे भैया डर इस बात का कि भैया चारों तरफ ओशन है, ना खाने के लिए कुछ है ना भैया पीने के लिए पानी। ओए पानी, ओए पानी, पानी तो है।
अरे तो भैया ओशियन का पानी थोड़ी पियोगे भाई, क्यों क्या दिक्कत है? ए भैया यार, ओशियन का पानी खारा होता है, उसको आप नहीं पी सकते। अगर पियोगे तो भैया मरोगे। क्या बात कर रहा, जहरीला पानी क्या? नहीं यार भैया, उसके पानी में नमक पाया जाता है। और भैया आप उस पानी को ज्यादा दिन तक नहीं पी सकते। और भैया ज्यादा मात्रा में पियो तो भैया आपके शरीर में होगी दिक्कत, और भैया आप हो जाएंगे डिहाइड्रेट, और भैया आपकी बैंड बच जाएगी। ओए तू डरा रहा मुन्ना, सच्ची में मुन्ना? हाँ भैया, बेस एक्सपेंड करो, और भैया अपना बेस एक्सपेंड करो, और भैया बहुत कुछ करो, खाने पीने का इंतजाम करो, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अरे क्या हुआ दोस्त? समय बचाओ, कैप्टन आ रहा है। ए कैप्टन, अरे बाप रे, कैप्टन तो इधर ही आ गया। ये ले कैप्टन के बच्चे, मेरे यात्रियों को मारा, ये ले। वो तेरे यात्री कहाँ से हो गए? अरे भैया यार, यहाँ पे एक पायलट ने हमला कर दिया था। भैया मैंने वहाँ के जितने भी थे कैप्टन के चंगुल में थे, उसको बचा लिया। ओए बहुत तो बढ़िया, कैप्टन को मारा कि नहीं? ओए आ भैया, फोड़ डाला उसी की तलवार से, उसी को फोड़ डाला। ओए क्या बात है, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कोई पायरेट आ जाए, उसको तोड़ दूंगा, फोड़ भी दूंगा। ओए आ भैया यार, मैंने तो एक को तोड़ दिया, और भैया खजाना भी मिल रहा है। खजाना कहाँ से मिल गया? अरे हाँ भैया, उसी पायलट की शिप में था ना, तो भैया वो जो आए थे ना उसके साथ, तो वही लेके आ गए। और भैया उनके बदले मैंने उनको बचा तो लिया ना, तो भैया अब वो मेरे आइलैंड भी काम कर रहे हैं, और भैया और बहुत कुछ कर रहे हैं। ओए मुन्ना, ऐसे सिपाही तो मुझे भी चाहिए। ओए ए भैया, उन सिपाहियों को मैंने भैया एक एक करके इकट्ठा किया है, आपको कैसे दे दूँ? एक दे दे, तेरे पास इतने सारे हैं। नहीं भैया, नो चांस, मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है ठीक है, मैं मुन्ना यहाँ के आसपास के लोगों को रेस्क्यू करके मुन्ना उनकी जान बचाऊंगा, उसके बाद काम में लग जाऊंगा। ओए है ना मुन्ना, सौदे का फायदा। सौदे का फायदा? ओए मतलब फायदे का सौदा। हाँ भैया ये बोलो ना। चलो भैया, अच्छी बात है भैया, रेस्क्यू करो, बचाओ लोगों को ना। ओए अभी तो मुन्ना मैं आइलैंड बिल्ड करने में पूरा ध्यान लगाने वाला हूँ। ओए और उसके बाद आइलैंड को एक्सपेंड करूंगा, और मुन्ना बीच कुछ भी जो लोग होंगे तो मैं उनको बचा भी लूंगा। ओए हाँ भैया, लोगों को बचाओ, रेस्क्यू करो, और भैया आइलैंड को एक्सपेंड करो, और भैया और भी चीजें अपने आइलैंड में बिल्ड करो, ताकि भैया खाने पीने का भी इंतजाम हो सके। सबसे भैया पानी बहुत जरूरी है, तो भैया वाटर का भी इंतजाम कर लेना। ओए हाँ, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। ओए क्या बात कर रहा भैया। ओए हाँ मुन्ना, मैंने आग जला ली है मुन्ना, ओशन के पानी को हम लोग हीट करके तो पी सकते हैं ना? नहीं भैया, हीट करके नहीं पी सकते भैया, पानी को हीट करो, उसमें से जो भैया भाप निकलेगी ना, उसी भाप को इकट्ठा करो, और भैया उस भाप से जो पानी निकलेगा ना भैया, उसको किसी बर्तन में इकट्ठा करो, उसको पी सकते हो। क्या बात कर रहा है, ये सब करना पड़ेगा? हाँ भैया यही करना पड़ेगा। भैया हीट करके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो भैया वही हुआ ना कि भैया पानी को नमक में डाल के उबाल लिया है। मतलब नमक को पानी में डाल के ना? हाँ भैया वही बात होती है। चलो गाइस, हम लोगों ने तो अपना एक बहुत अच्छा बेस बिल्ड कर लिया, और भैया मैं तो खाने की टेबल वगैरह सब कुछ लगा दी। ओए मुन्ना लगता है मुझे तेरे आइलैंड में ही आना पड़ेगा। ओए कोई जरूरत नहीं भैया, अपना आइलैंड बिल्ड करो, अब तो मेहनत करना जानती नहीं। ओए भूल ना, मैंने तेरे सुको सार्क से बचाया है। ओए कौन सी सार्क भैया? मेरे पास भी बोर थी, मैं आसानी से बच सकता था। ओए मैंने उस सार्क को रोका है तेरे पास आने से। रोका भैया? वो मेरे पीछे और भी पड़ गई थी, उसको गुस्सा आ गया था। ओए गुस्सा नहीं आया था मुन्ना, मैंने तुझे बचाया था। ए भैया आयरन बिल्ड करो यार, बहुत ही कामचोर होते जा रहे हो। ठीक है, मत कर मदद, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। ओए ए भैया, पहली बात मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि भैया मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, आप ही बताओ ना, कितना दूर हो भैया आप। ओए ये बात तो है मुन्ना, तू मेरे लिए लकड़ियां भी नहीं इकट्ठा कर सकता, ना ही तू मेरे लिए पानी दे सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, तो किस काम का? ओए मैंने ही मुन्ना तुझे साग से बचा के गलती कर दी। ओए ए यार भैया, ये सबसे पहले ये साग से बचाने का बहाना बंद कर दो। जे तुझे बहाना लग रहा है मुन्ना, मैं तुझे बचाया है। ए भैया यार, वो मैं खुद ही बच सकता था। अब भी ना जो बोलो बोलो, मैं तो भैया चला रेस्क्यू मिशन पे। ओए हाँ हाँ, कर ले रेस्क्यू। रेस्क्यू के साथ मुन्ना तुझे मिलता क्या है? ओए ए भैया, रेस्क्यू से मुझे भैया एक बंदा मिल जाता है भैया, उसे मैं किसी भी काम में लगा सकता हूँ, क्योंकि भैया मैं उसको बचा रहा हूँ तो अपने आइलैंड पे तो रखूंगा ना। और भैया आइलैंड पे तो बिना काम के थोड़ी रहेगा भैया, कोई ना कोई तो काम करेगा ही ना, नहीं तो भैया फिर तो मेहमान हुआ। हाँ मेहमानों की तरह रख ले। ए भैया मेहमानों की तरह रहेगा तो भैया यहाँ पे आइलैंड एक ही दिन में डूब जाएगा। ओए हाँ ये भी बात सही है, रोक जब मैं भी इन लोगों से काम कराता हूँ। ओए काम करो काम चोरो, क्या कर रहे हो? ए यार भैया, उनको अपने हिसाब से काम करने तो नया भैया, आप उन पे अत्याचार नहीं कर सकते। क्यों, मैंने उसको बचाया है। अरे तो भैया बचाया तो उन पे आप अधिकार थोड़ी जमा सकते हो।
ओए हाँ, हम लोग इनके राजा थोड़ी हैं, ओए बस इनको बचा के अपने आइलैंड को बस एक्सपेंड ही तो कर रहे हैं। ओए हाँ भैया, एक्सपेंड कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर रहना सीख रहे हैं ताकि भैया आइलैंड को और भी बड़ा बना सके, और भैया धीरे धीरे यहाँ पे सारे के सारे सोर्सेस भैया हम लोग अवेलेबल करा सके। ओए हाँ, पानी, खाना, मुन्ना, सब कुछ ना। हाँ भैया, घर भी रहने के लिए और भी भैया हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ओए हाँ, ये बात तो है, मुन्ना रात हो चुकी है, वो भी तगड़े वाली। हाँ भैया यार, रात में हम लोग जा भी खा सकते हैं। चलो गाइस, अब थोड़ा सा रात बीतने का इंतजार करते हैं। पता नहीं भैया ये रात कब जाएगी, क्योंकि भैया चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। हाँ मुन्ना, दिख तो मुझे भी रहा है, पता नहीं ये दिन कब बीतेगा। दिन बीत गया भैया, रात ही पता नहीं कब बीतेगी, ये मनाओ भैया रात जल्दी बीत जाए। पता नहीं कितना अंधेरा है ये। ओए क्या बात है, सुबह हो गई, मुन्ना मैं आ रहा हूँ तेरे आइलैंड पे। हाँ भैया, आप क्या करने आ रहे हो ऐसे? ओए ऐसे मुन्ना देखने को नहीं आ रहा था, मुन्ना मैं क्या अपने भाई से मिल नहीं सकता क्या? अरे नहीं भैया, बिल्कुल मिल सकते हो यार, आ जाओ भैया आ जाओ। ओए आ गया, क्या बात है मुन्ना, तूने तो अच्छी खासी प्रोग्रेस। ओए मेरी बोट पलट गई। अरे यार भैया, आपका बोट लगाना भी नहीं आता। ओए वो कभी कभी गलती हो जाती है, चल छोड़ना उसका। हाँ भैया चलो, देखो भैया मैंने अपनी आइलैंड पे कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। ओए खाना ने खिलाया कि नहीं? ओए हाँ भैया खा लेना, अब आइलैंड पे आएगा भैया बिना खाए थोड़ी भेजूंगा। क्या बात है मुन्ना, चारों तरफ का नजारा कितना अच्छा दिख रहा है ना। हाँ भैया वो तो है। चलो गाइस यार, अब आज की फर्स्ट डे की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ लाइक कर देना, और गाइस ऐसे ही चैनल बने तो सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों सभी को बाय बाय। हाँ गाइस, और सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओए चल मुन्ना, खाना खाने चलते हैं। हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, आप तब तक टेबल पे बैठो।